व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। नए महीने की शुरुआत करते हैं एक शानदार कोट के साथ में। बात बोली जा रही है कि पानी की तरह बनो, पत्थर की तरह नहीं। पत्थर दूसरों का रास्ता रोकता है और पानी जो होता है अपना रास्ता बना के कहीं से भी निकल जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पानी की तरह बनना है, अपना रास्ता अपने आप बनाना है, अपना रास्ता अपने आप चुनना है। और अगर आप लोग अपना रास्ता, जो टारगेट, जो गोल आप लोग लाइफ में सेट करते हैं, वो आप लोग अपने आप चुनेंगे, तो आप लोग के अंदर से इतनी एनर्जी निकल कर आएगी, आप लोग कभी भी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी काम तब करो जब आपके अंदर से फीलिंग आए, ना कि तब जब आप लोग किसी को, दूसरे को देखकर करें। और आज आप लोगों के लिए डबल मोटिवेशन, एक और मोटिवेशन है यहाँ पर। देखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 96 की एज में 98% यहाँ पर स्कोर किया गया इनके द्वारा। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस एज में इंसान चार पाई पर लेट जाता है, आराम से बैठ भी नहीं पाता है, उस टाइम पर ये एग्जामिनेशन हॉल में गई और इनके द्वारा एग्जाम दिया गया। तो इसको कहते हैं रियल डेडिकेशन, इसको कहते हैं कुछ सीखने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। एज बैरियर नहीं होता है जब आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। और पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, लाइफ में कोई भी काम आप लोगों को करना है, अगर आप लोग एक्सक्यूज बनाते हैं तो उससे आप लोगों को दूर रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोगों को सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे, जिन्होंने कभी भी, जो बैरियर आप लोग मानते हैं उनको कभी बैरियर माना ही नहीं है। तो आप लोगों के सामने एक और उदाहरण है यहां पर कृतियानी जी का, जिनके द्वारा शानदार तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस दी गई है। तो देखिए, मोटिवेशन अगर आप लोग खोजने चलेंगे ना, दुनिया भर का मोटिवेशन आप लोग के आसपास में बिखरा पड़ा है। बस आप लोगों को थोड़ी सी अपनी आंखें खोलनी है और देखना है, फिर आप लोगों को डेली इतना मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग अपने काम को शानदार तरीके से करते रहेंगे डेली। आज है 1 नवंबर और काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करने को है। यहाँ पर द हिंदू में हम लोग काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए है मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसको जाकर आप लोगों को मैप में निहारना है। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सर्बिया जो कंट्री है उसके बारे में आप लोगों को जाकर देखना है। इसके अलावा बाकी का पैटर्न हमारा यही रहने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा जिसका आंसर आप लोगों को लिखना है, शानदार तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है, और बाकी के आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका भी आंसर देना है। इसके अलावा जो यहाँ पर नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर डेली आप लोगों की नैनो मैगजीन आती है जिसमें हम लोग पीआईबी डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में द हिंदू डिस्कशन आप लोगों का ये देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट द हिंदू डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर डेली। तो ये आप लोगों का पूरा पैटर्न रहता है। तो आइए देख लेते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। काफी शानदार आर्टिकल है। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, यह एक मेरठ की घटना जहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था उत्तर प्रदेश में पीएससी के द्वारा। अभी यहाँ पर एक डिसीजन आया निकलकर, जिसमें यहाँ पर जो पीएससी के जो जवान थे उनको सजा सुनाई गई है। तो थोड़ा सा इश्यू आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या उस टाइम पर प्रॉब्लम थी, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ब्राजील के नए प्रेसिडेंट चुनकर आ गए हैं अभी, जिनको बोला जा रहा है न्यू डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पैटर्न पर ही चलने वाली ये इंसान है। तो इनको ब्राजील का डोनाल्ड ट्रंप माना जा रहा है। कंपेयर करेंगे यहाँ पर क्या क्या बातें हैं और किस तरीके से थोड़ा सा कनेक्शन आप लोग यहां पर इंडिया के साथ में इनका दिखेगा, वो भी हम लोग जानेंगे। और जिस तरीके से जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनाया गया है पास्ट में, वही कुछ ऐसे स्टेप इनके द्वारा रिसेंटली अभी लिए गए हैं। तो जानेंगे डिटेल में दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके। ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में। आप लोग जानते हैं किस तरीके की कंडीशन बनी हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत ही गड़बड़ाई हुई है, खासकर जब से आप लोग देखते हैं जयललिता जी की डेथ के बाद में। पहले ओ पनीर सिल्वम, फिर इनके साथ में यहाँ पर जो लड़ाई हुई, यहाँ पर TTV दिनकरन, यहाँ पर शशिकला जी अभी आज की डेट में जेल में है, और यहाँ पर ये बने हैं आज की डेट में चीफ मिनिस्टर। पर लेकिन अभी जो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसकी वजह से जो कंडीशन बनी है वो काफी खराब है। पर लेकिन सदर्न इंडिया की पॉलिटिक्स अगर आप लोग देखेंगे, वो काफी हद तक आज की डेट में जो सेंटर में बीजेपी है उससे काफी दूर है। यानी कि कहने का मतलब ये है, सारे स्टेट्स में लगभग कहीं ना कहीं आप लोगों को बीजेपी नजर आएगी, पर लेकिन साउथ में नहीं पहुंची है। पर लेकिन ये भी बोला जा रहा है कई बार कि जो कंडीशन आज की डेट में जयललिता जी के जाने पर बन गई थी यहां पर, और अभी एक लीडर और यहां पर करुणानिधि जी, जो कि बहुत शानदार लीडर थे दोनों, इनकी वजह से यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो कहीं ना कहीं बार बार ये बात बोली जाती है कि सदर्न इंडिया यानी कि तमिलनाडु में फिर से यहां पर अब बीजेपी के लिए यहां पर एक ओपन गेट माना जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी यहां पर एंट्री करे। पर लेकिन दूसरा एंगल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे एंगल में आप लोग ये देख सकते हैं, रजनीकांत जी एंट्री करने की बात करें पॉलिटिक्स में, और एक और इंसान के द्वारा यहां पर भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने की बात की गई है। उनके द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा चुकी है, वो भी एक एक्टर है। उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, उन पर्सनैलिटी का नाम क्या है, ठीक है? तो ये आप लोग क्वेश्चन की तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या बात यहाँ पर चलने वाली है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला आर्टिकल है, अगर कोई गांव वाले एरिया से शहर में जाता है, तो शहर में जाता है अपना किसी गांव कोई काम खोजने की वजह से वहां पर, लेकिन जो सिचुएशन वहां पर बनती है वो ऐसी नहीं होती है कि वहां पर रहकर अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन से जी सके और कुछ ऐसा कमा सके, गांव में भेज सके। तो इसीलिए यहां पर इसके ऊपर बोला जा रहा है एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। तो आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से यहां पर चीजें सेटल की जा सकती हैं। एक किताब के बारे में डिस्कस किया जा रहा है यहां पर इस वाले आर्टिकल में। बात की जा रही है यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बारे में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो है आज की डेट में, तो उसके रवैया के बारे में। तो किताब का नाम क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, और कुछ बातें भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
जर्नलिज्म के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या कंडीशन बनती है, वैसे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई की और गवर्नमेंट के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा। और एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था 30 तो काफी दूर हो गई 30 अक्टूबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम आरबीआई के गवर्नर ने सामने रखी थी कि ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अब यहां पर एक्चुअल में एनालिसिस किया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या ये फेस कर रहे हैं, उसमें से कितनी सही है और कितनी गलत है, और गवर्नमेंट कहां सही है और आरबीआई कहां सही है। तो शानदार आर्टिकल है, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी आप लोगों यहां से आएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए है एक इंफॉर्मेशन, कल अक्टूबर खत्म हो गया पूरा कंप्लीट आप लोगों का, तो सारी मर्ज पीडीएफ जब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो मेरे लेक्चर की सारी पीडीएफ आप लोगों को, या तो आप लोग फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी कोटेशन वगैरह या आप लोगों की कोई भी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है वो आप लोगों के नाम के साथ में यहाँ पर शेयर की जाती है, तो आप लोग शेयर करते रहिए, और जिसको यहाँ पर फॉलो करना है वो उसको एंजॉय कर सकता है। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि आप लोगों की अक्टूबर से पहले मंथ की भी बची हुई है, दोनों मंथ की मर्ज पीडीएफ बची हुई है, सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग उससे आराम से रिवीजन कर सकें। आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं ब्राजील के डोनाल्ड ट्रंप से। यहां से ये है इंसान जिनको ब्राजील का डोनाल्ड ट्रंप बोला जा रहा है। आखिर कौन है ये पर्सनैलिटी, तो पहले आप लोग इनके बारे में जान लीजिए। नाम है इनका जेएम बोलोसोनारो, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, नए प्रेसिडेंट यहां पर चुनकर आए हैं। पहले से आर्मी में थे, ये आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और अब नए प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के। इसके अलावा मेंबर रह चुके हैं यहां पर चैंबर ऑफ डिप्टीज, और इसके अलावा यहां पर जो रीडिजनेरियो जहां पर आप लोगों को ओलंपिक देखने को मिले थे, तो वहां पर ये काफी लंबे समय तक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं उसके। और बाकी जो पार्टी है यहां पर यह सोशल लिबरल पार्टी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पर हो सकता है। काफी बात की जा रही है ब्राजील, तो इस पर्टिकुलर एरिया की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। ब्राजील की अगर बात करें तो कैपिटल हो गया ब्रासिलिया, और इसके लिए करेंसी की बात करें तो ये इसका झंडा हो गया और करेंसी हो गया ब्राजीलियन रियल, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आसपास में अगर आप लोग यहां पर दिख रहा होगा अमेजन फॉरेस्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमेजन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग बोला जाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट है ये, यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो एक शानदार तरीके की एक इन्वायरमेंट, या फिर आप लोग एक शानदार तरीके की हवा, या एक जो आप लोग बोलिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखने का काम करता है पर्टिकुलर एरिया में, ना कि ओनली ब्राजील में बल्कि पूरी पृथ्वी पर इतना ह्यूज घना जंगल यहां पर यह है। पर लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप उससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे, और ब्राजील भी उसी के पैटर्न पर चलना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जंगल है यहां पर, इसकी कटाई की जा रही है बहुत ज्यादा, यहां पर फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है और डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहां पर ह्यूज, ये यहां पर डिस्ट्रॉयेशन किया जा रहा है इन सब फॉरेस्ट का यहां पर, इसीलिए यहां पर इनके ऊपर काफी पाबंदी लगती है अगर ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में रहते हैं तो। अपने जो ये कंपेन चला रहे थे उस टाइम पर इन्होंने बोला था कि मैं भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाऊंगा, कई बार ऐसी बातें निकल कर आ रही थी, तो बहुत सारी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली गई थी, और उसी कदम और नक्शे पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऑफ ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ दिनों से अभी एक अलग ही पैटर्न निकल कर आ रहा है, कभी फिलीपींस में आप लोगों ने देखा, यूएसए में देखा और हंगरी में देखा, ये कुछ ऐसे एरिया हो गए हैं जहां पर कुछ ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं जो अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। यहां फार राइट शिफ्ट अप्रोच इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर कहने का मतलब ये अपनी कंट्री, अपने वोटर, अपना एनवायरमेंट, अपना सब कुछ यहां पर, अपना एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बाहर वाला यहां पर कोई है ही नहीं है। कहने का मतलब ये ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी पर बस एक ही कंट्री रह गई है, इसके अलावा कोई कंट्री नहीं है, उस तरीके का जो रवैया यहां पर अपनाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्री में लीडर चुनकर आज के डेट में आ रहे हैं। अगर आप लोग हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, या फिर आप लोग चाइना की बात कर लीजिए, सी जिनपिंग है वहां के प्रेसिडेंट, तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि एक मल्टीपोलर ऑर्डर बना रहना चाहिए ग्लोबल का, यानी कि सब लोग मिलकर काम करना चाहिए और ग्लोबल को एक ग्लोबल विलेज की तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहता है कि वो आसानी से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके कट ऑफ होके सोसाइटी से या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री से, तो ये आज की इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो इसीलिए यहां पर ये बातें निकल कर आ रही है, यानी कि ग्लोबल मल्टी जो ग्लोबल मल्टीपोलरिटी जो वाला जो वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है अगर ऐसे पर्सन चुनकर आ रहे हैं जो कि अपनी ही कंट्री पर फोकस देकर चलते हैं। इनको ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स बोला जा रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में भी इस तरीके के इंसान चुनकर यहां पर आ रहे हैं, जो कि 45th जो प्रेसिडेंट थे जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के पैटर्न पर यहां पर ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार तरीके से इनके द्वारा इलेक्शन जीता गया, और इसी के साथ में दो पर्सनैलिटी जो कि इनकी यहां पर पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट थे, एक तो यहां पर ये है एमएस रुजफी और दूसरे यहां पर ये MRDA सिल्वा, ठीक है, तो डा सिल्वा आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये दोनों ही पर्सनैलिटी की आप लोग पिक्चर एक बार देख लीजिए, एक को तो इंपीचमेंट कर दिया गया और एक को यहां पर जेल में डाल रखा है, तो दोनों ही आउट ऑफ द रेस है यहां पर, इसी वजह से ऐसे इंसानों के लिए यहां पर रहा बन गई है डायरेक्ट आने के लिए पिक्चर में, और ये आसानी से चुनकर यहां पर आ गए। तो अगर बात करें इनका यहां पर, इनका नाम है डेलिमा राव सेफ, तो इनका यहां पर पूरा नाम है डेलिमा, भी आप लोग इनके सामने लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है,
तो इसके अलावा यहां पर ये देखिए इनका इंपीचमेंट किया गया था रिसेंटली अभी, और ये जेल में इनको 12 साल के यहां पर सेंटेंस दिया गया करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज में। तो इसकी वजह से यहां पर चुनकर आए, और चुनकर जब आए इन्होंने उसी टाइम पर इन्होंने बोला ये क्या क्या करने वाले हैं, एक तो टैक्स वगैरह ये सारी चीजें जो रेगुलेशन वगैरह है उनको रिड्यूस कर देंगे, जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस ये बूस्ट करेंगे, और ये काफी खतरनाक वाली बात बोली है इन्होंने। क्या बोली यहां पर देखिए, जो आज की डेट में यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लोइटेशन यहां पर बढ़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने बोला बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का ये काम करेंगे, हाईवेज वगैरह बनाएंगे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे, यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई कंट्री बनाएंगे, ब्राजील को एक बिल्कुल अच्छे से डेवलपमेंट के पैटर्न पर ये लाने वाले हैं, और एक साथ में मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के काम करने वाले हैं। और इसीलिए बोला जा रहा है यहां पर कि ये देखिए यूएसए की तरफ को कुछ घूमते हुए या फिर मुड़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट बने यूएसए ने इनके पास में फोन किया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके पास में फोन किया, और कहीं ना कहीं देखिए जैसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर, ब्राजील आप लोगों को नजर आएगा किसका मेंबर है, ब्रिक का मेंबर है। अगर ब्रिक में ब्राजील है तो यहां पर कहीं ना कहीं ये चार कंट्री के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, और आप लोग जानते हैं ना तो चाइना के साथ में यूएसए की बनती है और ना ही रशिया के साथ में यूएसए की बनती है। तो इसीलिए कोशिश करेगा कि ब्राजील को इस ग्रुप से थोड़ा दूर रखा जाए, अगर बाहर नहीं निकलेगा कम से कम तो इतना तो कर ही देगा कि मिनिमम यहां पर रोल रहे ब्राजील का, इतना तो कम से कम यहां पर आने वाले टाइम में देखने को मिलने ही वाला है। इसी के साथ में ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में काम करता हुआ नजर आएगा, सबऑर्डिनेट अलाय यानी कि यूएसए के साथ में इसके साथ में काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और देखिए इससे क्या यही चाहता है यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए यही चाह रहा है आज की डेट में कि कुछ ऐसे ही ग्रुप एक हमारा भी बन जाए, कि हमको सब कंट्री क्रिटिसाइज करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो हमारा एक ग्रुप रहेगा अगर हमारे जैसे मेंबर्स का तो फिर देखिए कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। सुना नहीं आप लोगों ने ब्रो पार्टी तो यहां भी कहने का मतलब ये कि दोनों एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब अगर क्रिटिसाइज करें तो इनका भी एक थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रुप रहे जिसमें ये बोल सके कि हाँ भैया हम लोग सही कर रहे हैं, यानी कि हमारे कानों में भी कुछ अच्छी बातें सोचने को मिले कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एक दूसरे को उन्हें कहते हैं तसल्ली दे सके, तो वो वाला फंडा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये भी उससे बाहर निकलने की बात करते हैं, क्योंकि ब्राजील अगर आप लोग देखेंगे एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर है तो उस तरीके से चाहते हैं कि ये भी उससे बाहर निकल जाए। ब्राजील भी अगर यूएसए के पैटर्न पर बाहर चलता है तो और भी कंट्री आने वाले टाइम पर यहां पर बाहर निकलती हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक बार मल्टीपोलैरिटी जो ग्लोबल वर्ल्ड आज के डेट में चल रहा है कहीं ना कहीं उसको ये इंपैक्ट डालने वाला है, और जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं खासकर यूएन हो गया या आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन भी आज के डेट में ठंडी पड़ती हुई जा रही है, क्योंकि जो कुछ ऐसी कंट्री जो यहां पर इनको सपोर्ट करने वाली थी हमेशा वो कंट्री आज के इनसे हाथ खींच रही है। तो आने वाले टाइम में और भी कुछ आप लोगों को खतरनाक लेवल की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये थे कुछ बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इंडिया के कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग इधर जाएंगे ये आप लोग देखिए, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहां पर आप लोगों को ब्राजील देखने को मिलेगा। तो आप लोग लोकेशन जरूर देखा कीजिए जब भी कोई आप लोग कंट्री देखते हैं न्यूज में, ये मैप के क्वेश्चन इतने सारे रहते हैं और फ्री के ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के रहते हैं, यानी कि फ्री के मार्क्स रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए गांव से बहुत सारे लोग आते हैं शहरों में, कुछ तो काम करने के लिए आते हैं, मैक्सिमम रोजगार के लिए आते हैं, क्योंकि गांव में आजकल एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गई है कि वहां पर एक अच्छी लाइफ हम लोग जी सकें उसके ऊपर, एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर डिपेंडेंट रह के। पर लेकिन गांव से आते हैं सुनहरे सपने लेके, जैसे सिटीज में आते हैं तो कंडीशन काफी खस्ता रहती है। कोई ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर लोग रह रहे हैं बहुत ही मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप की बन जाती है, वहां पर ना तो कोई फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी बीमारी और भी कई सारी प्रॉब्लम वहां पर फेस करने को देखने को मिलती है। तो फोकस यहां पर यह किया जा रहा है इस आर्टिकल का कि जो इंटरनल जो माइग्रेशन होता है कंट्री के अंदर ही, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं फिर गांव से शहरों में लोग जाते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसी के ऊपर है कंप्लीट आर्टिकल, देखते हैं क्या बात बोली है। तो बोला जा रहा है कि इंटरनल माइग्रेशन के लिए पॉलिसी होनी चाहिए ताकि देखिए एक तो अर्निंग इंप्रूव हो सके, यानी कि जो यहां पर काम कर रहे हैं उनको अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल सके, दूसरा क्या हो सके जो पुअर्टी जो गरीबी में रह रहे हैं जिसको मिटाने के लिए लोग बाहर निकल कर आते हैं उसमें भी कुछ फायदा हो, यानी कि गरीबी भी थोड़ी कम हो जाए। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इंटरनल माइग्रेशन पर फोकस देकर चले। कोई भी इंसान अगर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहा है कभी भी वो अपनी इच्छा से नहीं जाएगा। कोई भी देख ले आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे किसी और काम के लिए जाए, चाहे इलाज के लिए जाए, चाहे इंप्लॉयमेंट के लिए जाए, तो देखिए नॉर्मल नहीं होता है अपने एरिया को छोड़ना। पर लेकिन जब जाता है वहां पर जाने के बाद में तो कंडीशन काफी खराब होती है, और यहां पर अपने एरिया से जब जाता है तो उसकी वजह से भी जैसे एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आ गया, नेशनल क्लाइमेट आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से तो ये लोग यहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में कई सारी बातें निकल कर आती है। तो किस तरीके से वहां पर चीजें होती है आप लोग अभी
आगे देखने को मिलेगा। दो बात बोली जा रही है यहां पर, पुश और पुल फैक्टर। देखिए एक जगह से तो निकल के आ रहा है और दूसरी जगह खींच रही है, तो रीजन क्या होता है? पुश किया जा रहा है कहां से? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस आ गया, कमाई नहीं हो रही है खेती में, तो क्या करेगा? पुश किया जा रहा है, पुश फैक्टर है कि भैया यहां से निकलो वरना बर्बाद हो जाओगे। पुल कौन कर रहा है? खींच कौन रहा है? खींच रहा है अर्बन एरिया। यह माना जाता है कि वहां पर बेटर जॉब मिल जाती है, अच्छा खासा पे किया जाता है वहां पर और एक अच्छी लाइफ आप लोग जी सकते हैं, इसीलिए इंटरनल माइग्रेशन होता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, पुश और पुल फैक्टर जो होता है यहां पर, उसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। यह पुश और पुल फैक्टर ये तभी अच्छा होने वाला है जब गवर्नमेंट भी यहां पर पार्टिसिपेट करे, यानी कि जो यहां पर माइग्रेट करके जो लोग जा रहे हैं तो इस तरीके से जाए तो वहां पर एक शांति वाला जीवन वो व्यतीत कर सके। देखिए माइग्रेशन की कॉस्ट की अगर बात करें आप लोगों को, तो एक अलग ही तरीके की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो लोग यहां पर होते हैं गांव से माइग्रेट करके आ जाते हैं, मैक्सिमम तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि खेती कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई ज्यादा स्किल भी नहीं दिखेगी कोई किसी पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में वो काम कर सके, तो इसीलिए एक अलग ही रवैया वहां पर बन जाता है। अनस्किल्ड जो लेबर गांव से शहरों में आती है तो फिर वहां पर अगर अच्छे से जॉब नहीं मिलती है तो एक और नया हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है वहां पर, क्योंकि लेबर मार्केट आज के डेट में कोई ना कोई स्किल मांगती है। कंप्यूटर बेस्ड जमाना हो चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जमाना हो चुका है, अगर कंस्ट्रक्शन का वर्कर भी बनना है तो आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें आज के डेट में हो रही है, तो इसीलिए यहां पर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मॉडर्न जो फॉर्मल अर्बन सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो यहां पर साइड में बनता जा रहा है, जो इसको एब्जॉर्ब नहीं पा रहा है, कर पा रहा है जो गांव से जो रूरल लोग, जो गांव से यहां पर जो लोग आकर यहां पर एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ यहां पर होना चाहिए। अर्बन इनफॉर्मल जो इकोनॉमी ये ग्रोथ हो रही है, इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी बनती जा रही है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, उसका यहां पर कोई एक तरीके का सिस्टम नहीं होता है, उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है फॉर्मल सेक्टर के साथ में, ये बहुत ज्यादा गरीबी की ओर बढ़ाती हुई आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि और ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहां पर बढ़ेगी, कई सारी महामारी बीमारी और प्रॉब्लम निकल कर आएगी, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोकस देकर आप लोगों को चलना चाहिए। पर एक बात है यहां पर, आखिर इतना कुछ होते हुए भी लोग यहां पर जब खुश नहीं रह रहे हैं, यहां पर आकर इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं? तो सीधा सीधा उदाहरण यार इसका ये रहेगा, क्योंकि लोग यहां पर इतनी प्रॉब्लम फेस करते हुए भी इसलिए यहां पर आ रहे हैं क्योंकि जहां से निकल कर आ रहे हैं वहां पर इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोला गया? जहां पर से निकल कर आ रहे हैं वहां इससे भी खतरनाक सिचुएशन है, इसीलिए लोग यहां पर आ रहे हैं, तो ये आप लोग देखने को मिलेगा। यानी कि इसीलिए यहां पर जो लोग हैं लोअर कास्ट या फिर ट्राइब वाले जो लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत जितना कमाया जाए वो जहां पर रह रहे हैं उससे ज्यादा कमा पा रहे हैं यहां पर, यानी कि फिर भी उससे ज्यादा बेटर लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हीं के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। इन रिमिटेंस यानी कि जहां पर ये रह रहे हैं कमा रहे हैं वहां से अपने घर पर पैसा आसानी से भेज सकें, उसकी एक अच्छी फैसिलिटी यहां पर होनी चाहिए, और इससे फाइनेंशियल सेक्टर भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि भैया एक नेशनल पॉलिसी बना दो ताकि जो लोग यहां से गांव से निकल कर आ रहे हैं उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके और वो अपनी लाइफ को एक अच्छे से इंजॉय कर सके। तो काफी अच्छी आप लोग ये सजेशन यहां पर बोल सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पर उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये आप लोगों को कमेंट करना है। जो टसल चल रहा है, जो रस्साकसी चल रही है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, उसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। 150 से 200 वर्ड में आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। एसएससी या बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग इसको निबंध की तरीके से ले सकते हैं क्योंकि वहां पर आप लोगों को ऐसे पूछा जाता है, और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरे की, तो प्रॉपर आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ में जानते हैं आखिर बात क्या है। पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने देखा था कि सेंटर और आरबीआई के बीच में काफी रस्साकसी चल रही थी पावर को लेके, कई सारी चीजों को लेकर। जो यहां पर विरल आचार्य है, डिप्टी गवर्नर है यहां पर आरबीआई के, इनके द्वारा बोला गया कि आरबीआई की इंडिपेंडेंसी को हट करने की कोशिश की जा रही है और इसको अंडरमाइन किया जा रहा है, जो इसकी रेगुलेटरी पावर है, ये बात बोली गई। तो क्या ये सही है? क्या ये सही बात बोली जा रही है इनके द्वारा? क्या ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो उठाए गए हैं ये सही है? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क यहां पर लगता है, तो उसी को यहां पर अभी एनालिसिस करेंगे। तो टाइम तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई कुछ करना चाहता है गवर्नमेंट नहीं करने देती है, या फिर गवर्नमेंट कुछ करती है आरबीआई, अगर इच्छा नहीं है आरबीआई की करने की गवर्नमेंट फिर भी करा लेती है, तो देखिए वो तो चलता ही रहता है, आज नहीं तो कल वो रुकने वाला नहीं है, अब तक नहीं रुका है तो आगे कैसे रुकेगा, वो आगे देखने को मिलेगा, या फिर कुछ गैप बना पाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर रख पाते हैं, वो हमको आगे देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में आगे जानेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी बोलते हैं कि आज की डेट में काफी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट को लेकर भी काफी प्रॉब्लम आती है, और इसके अलावा एनपीए जो बढ़ता जा रहा है आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये बातें बोली जाती हैं। अब आरबीआई इसके बारे में क्या बोलता है, तो तीन बातें यहां पर बोलते हैं आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही, तीन प्रॉब्लम क्या है जो आरबीआई जिससे इरिटेट होता है। पहला तो ये है कि हमारे पास में मैक्स ज्यादा पावर नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक को रेगुलेट करने की। पंजाब नेशनल बैंक में क्राइसिस देखने को मिला तो आरबीआई बोल रहा है कि हमारे पास में ज्यादा पावर नहीं है, ये बोली गई आरबीआई के जो गवर्नर है उर्जित पटेल के द्वारा। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है तो उसमें से कुछ पैसे यहां पर आरबीआई को गवर्नमेंट को देना पड़ता है यहां पर, तो जो पैसा दिया जाता है तो उसमें जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल गैप होता है, जो यहां पर फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, तो वो भी कई कई बार कम होता जा रहा है यहां पर आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई इसको देने में असंतोष करता है यहां पर। इसके बारे में अभी आप लोगों को आगे बात करूंगा, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात यहां पर ये बोली जा रही है कि जैसे पेटीएम वगैरह, ऐसे ऐसे जो आप लोग आज के डेट में छोटे छोटे बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं, इनके लिए इंडिपेंडेंट
रेगुलेटरी बनाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि देखिए ये हमारी पावर छीन रहे हैं, ये तो हमारी होल सोल अथॉरिटी है, ये हमारी पावर छीन रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक अलग ही तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। नॉर्मली अगर कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में लोगों के पास में पैसा रहे, रेट जो है थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए और लोगों के पास में पैसा आ जाए हाथों में, तो खरीदारी करें, और खरीदारी करेंगे अगर लोग तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी खासी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और डिमांड एंड सप्लाई यहां पर चल जाएगी तो इकोनॉमी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक तरीके से सोचा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पर लेकिन आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सोचता है कि भैया इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखना, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आरबीआई को टारगेट दे रखा है दो से छह के बीच का, चार प्लस माइनस दो के बीच का, यानी कि दो से छह के बीच में आप लोगों को इन्फ्लेशन रखना है, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को ही यहां पर इस तरीके से काम किया जा रहा है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और आपस में सोल्यूशन करेंगे तभी यहां पर सोल्यूशन निकल के आ पाएगा। अब यहां पर देखते हैं राइटर किस तरीके से बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि जैसे उर्जित पटेल कह रहे हैं कि हमारे पास में रेगुलेशन पावर नहीं है, कि हम लोग जिस तरीके से फ्रॉड हुआ यहां पर पंजाब नेशनल बैंक में, हमारे पास में इतनी रेगुलेटिंग पावर नहीं थी। तो यहां पर जो राइटर है इसको गलत साबित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेगुलेटिंग पावर आप लोगों के पास में है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पर आरबीआई नॉमिनी डायरेक्टर यहां पर बैंक में अपने बोर्ड में, बैंक बोर्ड में भेजता है। आप लोगों के पास में पावर होती है यहां पर इंस्पेक्शन करने की, फाइनेंशियल ऑडिट करने की, ये सारी पावर आप लोगों के हाथ में है। तो कहने का मतलब यह है जो पावर आप लोगों के हाथ में है आप लोग उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कहना कि हमारे पास में पावर नहीं है इसलिए पंजाब नेशनल बैंक में क्राइसिस हो गया है, तो आप लोग अपना जो काम है उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, उसे पीछे हट रहे हैं, तो ये गलत बात है बिल्कुल। दूसरी बात करते हैं अब यहां पर, दूसरी बात में ये बोला जा रहा है कि दूसरी बात में यहां पर ये तो हो गया आप लोगों का पॉइंट। दूसरी बात में यहां पर देखिए जो कंटिजेंसी फंड को छोड़कर, यानी कि जो इमरजेंसी फंड होता है कहीं पर बाढ़ आ गई या कोई ऐसी चीज हो गई, जो भी एसेट्स होता है वो सारा जो पैसा सरप्लस होता है यहां पर वो आरबीआई यहां पर क्या करता है गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, और ये हमारी कंट्री में नहीं होता है। जो भी पैसा यहां पर आरबीआई के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है अगर उसके पास में जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, और ये सब कंट्री में होता है ना कि ओनली हमारी कंट्री में। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है, तो आरबीआई जो यहां पर ट्रांसफर करता है अब की बार जो पैसा है वो पहले के कंपेयर में अब की बार यहां पर घट गया है। ये नंबरिंग थोड़ा यहां पर ये नंबरिंग यहां पर मिस हो गई, यहां पर 65 है ठीक है, और यहां पर 30 है ये, और यहां पर ये 50 है। तो अब आप लोग समझिएगा, जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तब आप लोग ये करेक्शन करके मैं दे दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे। 2016 में जो अमाउंट दिया गया था वो 65,000 करोड़ के लगभग आप लोग देखते हैं यहां पर दिया गया था, पर लेकिन जो 2017 में जो अमाउंट दिया गया वो 30,000 करोड़ के लगभग दिया गया, और अब जो अभी इस साल की बात की जा रही है तो 50,000 करोड़ के लगभग यहां पर दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं, और ये हमारी कंट्री नहीं करता, ये हर एक कंट्री में ऐसा होता है। तो इस तरीके से यहां पर जो भी सेंटर का जो भी यहां पर प्रॉब्लम रहती है, बैलेंस जो शीट रहती है उसको यहां पर कवर करने का ये काम इसके द्वारा किया जाता है, पर लेकिन आरबीआई इसको देने में भी आनाकानी बरत रहा है। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है, जबकि आरबीआई को ऐसा देना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री नहीं, ग्लोबली नॉर्म से इस तरीके से दिया जाता है। अब तीसरी बात करते हैं, देखिए तीन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, तीन पॉइंट में क्या था, एक तो यहां पर पैसे की बात की जा रही थी, और एक यहां पर यह बात की जा रही थी रेगुलेटरी की। तो दो पॉइंट में तो आरबीआई गलत है, पर लेकिन तीसरे पॉइंट में ये आरबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए जो पेमेंट सिस्टम है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी है ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर किसके अंडर में रहती है, वो यहां पर किसके अंडर में होनी चाहिए, आरबीआई के अंडर में होनी चाहिए। तो ये अनुचित नहीं है यहां पर कि आप लोग उसको सेपरेट करें आरबीआई से, यानी कि जो गवर्नमेंट कह रही है अलग रेगुलेटरी आप लोगों को बनानी है तो वो गलत बात है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक तो यहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरा आरबीआई के पास में पावर है पीसीए, ये है यहां पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इससे क्या है कि अगर कोई भी एनपीए बनने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाती है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई विद इन द टाइम ऑफ फ्रेमवर्क एकदम एक्शन लेता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर लेकिन गवर्नमेंट यहां पर आकर अपनी टांग अड़ाती है और बोलती है थोड़ा सा टाइम दे दो, यहां पर अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बैंक या फिर कोई दूसरा माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कोई यहां पर ऐसा काम करता है और उसको यहां पर आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर करने को बोलती है, जो कि गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद रिलैक्स करने के लिए बोल रही है, उसके बाद में एनपीए बन जा रहा है और फिर आरबीआई को ब्लेम कर रही है कि यहां पर एनपीए बन गया। तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट गलत है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है, देखिए घर की बात घर में ही सुलझ जाए तो ज्यादा बेटर है, मार्केट में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से राइटर सजेस्ट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां पर आप लोग इसको अंदर ही अंदर सुलझा लीजिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है किताब के बारे में, ठीक है, तो इस किताब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बात की जा रही है यहां पर, किताब का नाम है ओपन इंब्रेस, यानी कि अगर आप लोग किसी से खुलकर यहां पर गले मिल रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी दोनों खुलकर यहां पर गले मिल रहे हैं, तो इससे देखिए स्ट्रेटजी के लिए हम लोग अपनी ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में कई बार हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं उसको लेने से पहले सोचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या सोचेगा, यानी कि हम लोग सॉवरन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है। तो अभी क्या बातें बोली जा रही है यहां पर, बातें बोली जा रही है, पहले तो किताब का नाम है यहां पर आप लोगों के सामने ओपन एम्ब्रेस, और यहां पर जो लिखी गई है वर्गीस के जॉर्ज के द्वारा यहां पर ये लिखी गई है। ये एक राइटर है, ये एसोसिएटेड एडिटर है द हिंदू के। तो किताब का नाम और किताब के राइटर और किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दो लीडर है यहां पर, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
दोनों यहां पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने हिसाब से अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, तो वो सारी बातें एक्सटर्नल टाइज यहां पर किस तरीके से हैंडल करते हैं उनके बारे में जिक्र यहां पर किया जा रहा है। देखिए अनडाउटली अगर यूएसए को आप लोग देखेंगे, इंडिया की प्रोग्रेस में काफी शानदार है, क्योंकि हम हमारे यहां पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे लोग यहां से हमारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं, जॉब सीकर बहुत सारे जाते हैं यहां पर, तो इस तरीके से हमारे लिए काफी शानदार डेस्टिनेशन है। खासकर रिमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी कंट्री में काफी रिमिटेंस, यानी कि जो हमारे लोग वहां पर जाकर काम करते हैं तो अपने घर पैसे यहां पर भेजते हैं, उसको रिमिटेंस बोलते हैं, तो ये भी काम यहां पर काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं। पर लेकिन कुछ काम ऐसे हैं यहां पर जो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं बराक ओबामा के द्वारा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, काफी ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया, किसके, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए। देखिए एक तो होता है ज्वाइन करना और एक होता है रेटिफाई करना। ज्वाइन तो नॉर्मली सब कर लेते हैं, पर लेकिन रेटिफाई जब किया जाता है, जब पार्लियामेंट में उसको पास करा दिया जाता है, तो वो रेटिफाई कराया गया हमारे द्वारा। पर लेकिन जैसे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए, खुद ही उनकी कंट्री उससे बाहर निकल गई, यू टर्न मार लिया गया। और ये यू टर्न अकेला नहीं है, ईरान न्यूक्लियर डील पर यू टर्न मारा गया, और भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर इनके द्वारा यू टर्न मार लिया गया है। तो देखिए इनके द्वारा कुछ ऐसे रवैये यहां पर अपनाया गया। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे वर्ड यूज नहीं करते थे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हमारे ऊपर प्रेशर मत डालो, अपने डिसीजन हमको खुद लेने दो। पर लेकिन यहां पर संग्रीला डायलॉग आप लोगों को देखने को मिला 2018 में, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह वर्ड यूज कर लिया गया कि यूएसए की हमारी जो रशिया के साथ में आज की डेट में फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, वो हमारी खुद का डिसीजन है और कोई हमको यहां पर रोक नहीं सकता, और इसी का रीजन है S-400 डील हमारे साथ में साइन की गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में। तो आप लोगों के बारे में इसको पता, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए संग्रीला डायलॉग कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जहां पर ये बात बोली गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नॉर्मली इसी ऐसी ऐसी बातें ना तो मोदी जी बोलते थे, ना ही हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो यहां पर ये हैं एस शंकर, इनके द्वारा बोला गया था इस तरह का कुछ। पर लेकिन आज की डेट में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोले हम खुद इंडिपेंडेंट है और हम लोगों को खुद अपनी चीजें हम लोगों को खुद डिसाइड करने दीजिए। तो देखिए इस तरीके का आप लोग देखने को यहां पर चीजें मिल रही है। तो यहां पर जो अलग अलग तरीके का रवैया निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, पहले हम लोग क्या करते थे, प्रेशर में रहकर काम करते थे, ऐसी कंट्री के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करते थे, पर आज के डेट में हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो एक अच्छी बात आप लोग अपनी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। हम लोग कहने का मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग ये ऐसा कुछ यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर लेकिन ये शिफ्ट है हमारा पॉलिसी जो नॉर्मली हुआ करती थी, उससे हमारा ये शिफ्ट थोड़ा आप लोगों को नजर आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिला हासिमपुर। हासिमपुर यहां पर एक एरिया है, आप लोग देख सकते हैं मैप में पर्टिकुलर एरिया, यहां पर ये हासिमपुर आप लोगों को नजर आ रहा है। यहां पर थोड़ा जूम करता हूं, यहां पर ये उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मेरठ के पास ये एरिया देखने को मिलेगा। यहां पर क्या हुआ था, दंगे हुए थे और दंगे होने के बाद में बहुत सारे लोगों को यहां पर मारा गया था, ये है पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग मारे गए, और मारे भी किसके द्वारा गए, ये दर गए यहां पर पीएसी के द्वारा। पीएसी क्या है, पीएसी यहां पर एक ऐसी एक आर्म फोर्स होती है जो कि आप लोगों को हर एक स्टेट में नजर आएगी अपनी अलग अलग, और अलग अलग नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए लोकल आर्म फोर्स आप लोग क्या है, अगर कहीं पर कोई दंगा होता है स्टेट के अंदर में, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट रहता है वो स्टेट के कंट्रोल में रहता है, यानी कि जो स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, और कॉन्टेंट लिस्ट होती है, उसमें स्टेट के अंडर में आता है लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट, यानी कि स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ता है। ये तीनों लिस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्टेंट लिस्ट, कौन से आप लोगों को पार्ट में हमारे संविधान में रखी गई है, मतलब कौन से शेड्यूल में रखी गई है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर ये उस टाइम पर क्या किया गया, बहुत सारे लोगों को यहां पर मारा गया। तो उस टाइम पर जो लोगों को यहां पर मारा गया इनके द्वारा, उस टाइम पर तो ये जान बचाकर बच गया, अब काफी रिटायर भी हो चुके थे ये, 1987 की बात की जा रही है, काफी पुरानी बात है ये। अब यहां पर क्या किया गया, अब यहां पर 16 एक्स जो पीएसी जवान है उनको गिल्टी पाया गया और लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पर इनको दिया गया है। इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को यहां पर मारा गया था मुस्लिम कम्युनिटी के, और जिसकी वजह से यहां पर काफी दंगा भी उस टाइम पर हुआ था। तो अभी ये यहां पर आप लोगों के सामने बात है, तो हल्का सा तो आइडिया कम से कम इसके बारे में आप लोगों को होना ही होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार था कल जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, एक बहुत ही मोटिवेशन का और बहुत ही गर्व की बात थी, हमारी कंट्री में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में कल छोटा सा लेक्चर बनाया गया 10-12 मिनट का, डिटेल में वहां पर सारी बातें डिस्कस की गई हैं। देखिए आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ में आप लोगों को यहां पर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो वो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा लेक्चर है, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। वैसे आप लोग देखते हैं 182 मीटर की स्टैच्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, ब्राजील में जो सबसे ऊंची स्टैच्यू है उनमें सबसे ऊंची स्टैच्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी, सरदार सरोवर डैम के ऊपर यहां पर बनाई गई है, ठीक है। यहां पर देखिए कितना किस तरीके से यहां पर, हाँ एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, अच्छा यहां पर ये जो स्टेच्यू है डिजाइन किस पर्सनैलिटी के द्वारा की गई है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डिजाइन करने में 13 महीने लगे हैं, कंस्ट्रक्ट करने में आगे टाइम लगा है, लगभग माना जा रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च कर दिए गए हैं। कितना कंक्रीट लगा है, कितना सीमेंट लगा है, ये सब मटेरियल आप लोग यहां पर देखते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर पोर्शन देखते हैं, यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला तो यहां पर राफेल डील के बारे में बात की जा रही है।
राफेल डील जो कि हमने फ्रांस के साथ में साइन की थी उसमें अब तक कॉन्फिडेंस रखा गया था, इसके प्राइस को ओपन नहीं किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइस को ओपन कीजिए क्योंकि यहां पर जिस तरीके से वो डील निकल कर आ रही है काफी कॉन्ट्रोवर्सी में है, तो अब डिस्क्लोज करने की बात की जा रही है जनता में। तो देखते हैं किस तरीके से बातें निकल कर आती है आगे। नेक्स्ट बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दीपावली आप लोगों को ग्रीन बनानी है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से दीपावली बनानी है। और देखिए मजाक नहीं है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, बहुत सारे बीमार लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन मारी जाती है यहां पर पोल्यूशन की वजह से, खासकर दिल्ली वाले एरिया में इतनी खतरनाक सिचुएशन बन जाती है दीपावली के टाइम पर या फिर सर्दियों में खासकर। बात की जा रही है इंडिया ने जंप किया है यहां पर 77 रैंक पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मॉर्निंग में पीआईबी वाली वीडियो जो आप लोगों की 4 बजे आती है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, 77 रैंक पर आ गए 100 से। तो देख सकते हैं कितना शानदार यहां पर हम लोगों ने एक छलांग लगाई है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारी रैंक थी वो 100 थी, ठीक है, तो उससे हम लोगों ने यहां पर जंप लगाया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसके द्वारा तैयार की जाती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई गई थी, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम चलाई गई थी, तो नवीन पटनायक जो कि यहां पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि बीजु स्वास्थ्य कल्याण योजना इससे कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो स्टेट की स्कीम है तो यह पूछा जा सकता है कि इसके कंपेयर में कौन सी ऐसी स्कीम है, तो न्यूज में आप लोग यहां पर इसका नाम याद रख सकते हैं। नायडू और राहुल जो कि यहां पर मिलकर काम करने की कोशिश करें एंटी बीजेपी अलायंस बनाने की, ये वही नायडू जी है जो यहां पर आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात कर रहे थे और इसीलिए बीजेपी में आकर जुड़े थे, तो यहां पर आप यहां पर एंटी अलायंस बना रहे हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया। अनुपम खेर के द्वारा FTII से रिजिग्नेशन दे दिया गया है, डिटेल में हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था क्या है FTII, वो सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है 25 लोग यहां पर मारे गए हैं चोपर क्लैश में अफगानिस्तान में, काफी इंपोर्टेंट कंट्री है खासकर हमारे लिए, अगर पाकिस्तान की पड़ोसी देश आप लोग देखते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए, हालांकि कई सारी बातें देखने को मिलती है। श्रीलंका में पोलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जो आप लोगों को देखने को मिला कई दिनों से, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप के द्वारा यह बोला जा रहा है कि अब जहां से मैसेज भेजा गया है वो एग्जैक्ट ओरिजिन पता लगा पाएंगे, यानी कि कल को कोई भी यहां पर कोई ऐसा मैसेज भेजा है तो उसको हम लोग पकड़ पाएंगे, अब यहां पर जो प्रॉब्लम होती थी वो नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करें हैं बोलने की, ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग यहां पर आएंगे तो ये वाला एरिया देख सकते हैं, मलेशिया वाला एरिया, ठीक है, तो ये है यहां पर बुरनई, ठीक है, तो बुरनई के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। करेंसी की बात करें तो बुरनई डॉलर यहां पर हो गया, और कैपिटल की बात करें तो यह बंदर सेरी बैगवान, ठीक है, तो ये इसकी वो हो गई कैपिटल। इसके अलावा ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, शानदार आंसर दिए गए अंजलि के द्वारा और अंशुल के द्वारा और भी कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। रंजन गोगोई 46 यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, 2 अक्टूबर को यहां पर रिजाइन किया गया था उनके द्वारा, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और यहां पर फिर बने, दीपक मिश्रा ने रिजाइन किया और ये बने थे, फिर 17 नवंबर 2019 तक ये रहने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड फंड इसका जो हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है ग्लांट स्विट्जरलैंड में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल को जो कंजर्व करने वाली ये ऑथोरिटी है, ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, अभी न्यूज में भी थी ये बॉडी, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। जनरल डायरेक्टर है यहां पर मैक्रो लैम्बर्थनी, और इसके अलावा जो गठन किया गया था 1961 में एज ए वर्ल्ड वाइड फंड के रूप में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में, ठीक है, तो याद रख सकते हैं अब इसको, अब इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया गया है, लाइफ यहां से हटा दिया गया है फॉर नेचर। ओके, एशियन गेम के बारे में पूछा था, एशियन गेम और पैरा गेम दोनों इंडोनेशिया में देखने को मिले, एशियन गेम में हमारी रैंकिंग 8 थी और पैरा गेम में हमारी रैंकिंग 9 थी जो कि जकार्ता में आप लोगों को पेलमबंग में देखने को मिले। ये दोनों के ऊपर एक अलग अलग स्पेशल वीडियो आप लोग ही बनाई जा चुके हैं डिटेल में, ताकि आप लोगों कोई भी क्वेश्चन इससे न छूटे, तो इनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, आसपास सफाई रखिए और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, यही आप लोग गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग मुझे दे सकते हैं, पढ़ा दीजिए, और नहीं पढ़ा सकते हैं तो चीजों को शेयर कर दीजिए ताकि लोग वीडियो देखकर पढ़ सके, तो जो भी सुटेबल लगे लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए और रिविजन करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा क्वेश्चन वाली वीडियो, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, जय हिंद।